हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज आसाम का एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लोअर प्राइमरी टेट और अपर प्राइमरी टेट का जो टीचर्स है उन टीचरों का सिलेक्शन प्रोसेस में एक नया रूल लाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो नया रूल में कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाएगा, कैलकुलेशन का क्या रूल है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और फ्रेंड्स, अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स लोअर प्राइमरी टीचर का सिलेक्शन करने के लिए एचएस का परसेंटेज, उसके बाद डीएलएड या बीएड का परसेंटेज और उसके बाद टेट का परसेंटेज को लेके यहाँ पर फ्रेंड्स सिलेक्शन लिस्ट बनाया जाता था। और अपर प्राइमरी टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एचएस का परसेंटेज, उसके बाद हायर सेकेंडरी का परसेंटेज, उसके बाद डीएलएड या बीएड का परसेंटेज और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रेजुएशन का परसेंटेज और उसके बाद टेट का परसेंटेज को लेके सिलेक्शन किया जाता था। अभी फ्रेंड्स वो पुराना सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करके आज आसाम एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया सिलेक्शन प्रोसेस, एक नया सिलेक्शन रूल लाया गया है। और वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा, वो सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड्स एचएस का 5% लिया जाएगा, ग्रेजुएशन का 10% लिया जाएगा, डीएलएड या बीएड का 5% लिया जाएगा, उसके बाद टेट का 80% लिया जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा दिखे वेटेज टेट में दिया गया है, टेट का 80%। तो अगर आप इस सिलेक्शन मेन सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आने के लिए टेट में आपका मार्क्स ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स जितना मार्क्स ज्यादा है टेट में, उतना ही यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने का चांस है। अभी इस कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एकेडमिक मार्क्स कुछ कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, और ये जो एकेडमिक मार्क्स मैंने कंसिडर किया है ये इन परसेंटेज है। फ्रेंड्स मान लीजिए आपको एचएस में 80% मिला है, ग्रेजुएशन में 90% मिला है, डीएलएड या बीएड में मान लीजिए आपको 80% मिला है, उसके बाद टेट में मान लीजिए आपको 85% मिला है। तो फ्रेंड्स अगर नया सिलेक्शन, पुराना सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता था, पुराना सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारे परसेंटेज को जोड़ा जाता था, ये जो परसेंटेज मैंने लिखा है इन परसेंटेज को जोड़ा जाता था और उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता था। अभी फ्रेंड्स इन परसेंटेज को जोड़ के नहीं बनाया जाएगा, अभी क्या नया रूल में क्या किया जाएगा, नया रूल में ये जो 80 है इस 80 का 5% लिया जाएगा, उसके बाद 90 का 10% लिया जाएगा, उसके बाद 80 का 5% लिया जाएगा और उसके बाद 85 का 80% लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर नया कैलकुलेशन को अगर हम लोग करें तो कैसे करेंगे, देखिए 80 का 5% अगर आप करेंगे तो कितना होगा, 4। दैट मीन्स नया सिलेक्शन प्रोसेस में एचएस का मार्क्स यहां पर आपका 4 बन रहा है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में पुराना मार्क्स का 90, तो अभी यहां पर 90 का 10% लिया जाएगा, तो 90 का जब हम लोग 10% लेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर डीएलएड या बीएड में मान लीजिए आपका स्कोर 80 है, तो 80 का 5% आपको लेना है, तो 80 का 5% जब हम लोग लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 80 का 5% लेंगे कितना होगा, 4 होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में टेट का 80%, मान लीजिए आपका टेट का मार्क्स 85%, और ये 85 मार्क्स नहीं है, 85% है, 85 मान लीजिए आपका स्कोर है, तो उसका यहाँ पर 80% लिया जाएगा। तो 85 का जब हम लोग 80% करेंगे तो कितना होगा, 68 मार्क्स होगा। तो टेस्ट में अभी यहाँ पर आपका स्कोर कितना बन रहा है, 68। अभी इन सारे मार्क्स को जोड़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एचएस ग्रेजुएशन का मार्क, डीएलएड का मार्क, उसके बाद टेट का मार्क्स को जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए एचएस में 5%, 5% ऑफ 80 4 मिला है, ग्रेजुएशन में 9 मिला है, डीएलएड या बीएड में 4 मार्क्स हुआ है मेरा, टेट में 68 मार्क्स हुआ है। तो इन सारे मार्क्स को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, 85। और ये 85 कितने में से, आउट ऑफ 100 85 बन रहा है। दैट मींस यहां पर नया सिलेक्शन प्रोसेस में मेरा यहां पर टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, 85। और ये 85 मार्क्स को लेके ही यहां पर सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 80 90 80 का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, ज्यादा यहां पर इसमें डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा
फर्क बनेगा ये टेट का परसेंटेज। अगर आपका टेट का परसेंटेज ज्यादा है तो ये मार्क्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 80% लेना है। तो ये मार्क्स जितना, ये मार्क्स टेट का मार्क्स जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल ज्यादा होगा, और उतना ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आने का चांस बनेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज या बीएड का परसेंटेज या एचएस का परसेंटेज कम है तो आपका टेंशन, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स टेट में यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, आउट ऑफ 150 आपको आउट ऑफ 120-130 स्कोर करना है। इसमें जितना ज्यादा परसेंटेज आप स्कोर करेंगे उतना ही यहाँ पर फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम आने का चांस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर टेट का 80% लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन को किया जाएगा, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये कैलकुलेशन को कैसे किया जाएगा वो समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।